अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं यामिन खान आप सभी का नूरानी खबरों में इस्तकबाल करता हूं। आज हमारी नूरानी खबरों की टीम पहुंची है पुरानी दिल्ली के जामा मस्जिद के पास हजरत सैयद अबुल कसीम उफ हरे भरे शाह और हजरत सूफी सरमद शहीद की दरगाह पे। गौरतलब है कि ये दोनों दरगाहें एक ही मकबरे के साथ साथ हैं। हजरत सरमद शहीद हिंदुस्तान के ऐसे मस्त हैं जिनके खून में इश्के हकीकी की ऐसी अमर कहानी लिखी गई है जो रहती दुनिया तक बाकी रहेगी। हजरत सरमद शहीद की खासियत है कि वह अल्लाह के वालियों की पंक्ति में एक नए रूप में उजागर होते हैं और एक नए तरीके में दुनिया को कियामत तक के लिए छोड़ देते हैं। एक रोशनी जाहिर हुई जिसने उनके मन को रोशन कर दिया और एक गैबी नारा लगा और वह उस नारे में फना फिलहाल हो गए। उनका शुरू उनकी जिंदगी के वाक्यात सब पर ऐसा पर्दा पड़ा हुआ है, ना तो तारीख लिखने वाला ही उस पद को खोल सकता है और ना हादसे लिखने वाले ही पुराने पुस्तकालों को टटोल कर इस हकीकत का जिक्र कर सकते हैं। केवल उनकी जिंदगी का एक खास हादसा उनके पाक खून की वे बूंदे हैं जो औरंगजेब के वक्त में कलिमतुल हक ऊंचा उठाते हुए जल्लाद की तलवार के आगे उछले और इश्के हकीकी की एक ऐसी कहानी छोड़ गए जिससे तरीकत वाले रहती दुनिया तक झूमते रहेंगे। चलिए तो फिर हम यहाँ पे बात करते हैं हजरत सैयद सरमद शहीद की दरगाह पे मौजूद लोगों से कि क्या कहना है इनका हजरत सैयद सरमद साहब के बारे में। सैयद अबुल कासिम हरे भरे शाह, आपने बादशाह को चौथे आसमान से नक्शा ला के दिया था जामा मस्जिद का, जब यह मस्जिद तामीर हुई थी। और हजरत सूफी सरमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, वो कलमे के ऊपर शहीद हुए थे मस्जिद तामीर होने के बाद। कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह, आगे आप खामोश हो जाते थे। तीन मर्तबा पूछा गया और इन पे फतवा जारी किया गया कि ला इलाहा इल्लल्लाह के आगे क्या है, आपने जवाब नहीं दिया। जब आपका सर कलम कर दिया, शहीद कर दिया गया, जब आपके सर से आवाज़ आती थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तीन मर्तबा आपके सर ने कलमा पढ़ा। और क्या, कितना पुराना इतिहास है इस मस्जिद का, ये थोड़ा बताइए कब से? सन 1065 हिजरी के अंदर आपने पर्दा किया और सन सैयद अबुल कासिम हरे भरे शाह ने सन 1065 हिजरी में और हजरत सूफी सरमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने सन 1070 हिजरी में। आपकी 19 तारीख के सैयद अबुल कासिम की रबीउल शानी और आप सूफी सरमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह की 18 तारीख है जो आज कुल शरीफ हुआ। कितने साल से आप आ रहे हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पे कम से कम 8-9 साल से आ रहा हूँ मैं जी, और जो मुरादें मैं मांगा है वो मुरादें इंशाल्लाह पूरी हुई है जी। मैं काफ़ी दिन से आता हूँ और मेरे दिल में शौक़ है यहाँ पे आने की, मेरी मुरादें पूरी हुई। अभी 2 महीना पहले दिल्ली उस कमेटी का चेयरमैन नियुक्त हुआ हूँ जी, और लगभग दिल्ली की सभी दरगाहों पर मैं विजिट कर रहा हूँ, वहाँ के डेटा ले रहा हूँ, वहाँ के लोगों की जो परेशानियाँ हैं उसको ले रहा हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए एक नया प्लान मैं बना रहा हूँ कि दिल्ली उर्स कमेटी जो है, जो अब तक सिर्फ ख्वाजा के आने वालों के लिए करती थी, बल्कि इसको और वाइड कर और जितनी भी मज़ारे हैं, जितनी भी दरगाहें दिल्ली में हैं, सब पर आने वाले ज़ायरीनों को जो सहूलत हम फराहम करा सकते हैं, वहाँ के जो सज्जादा नशी हैं, गद्दी नशी हैं, उनको अगर कोई परेशानी आती है तो सरकार की तरफ से जो मदद की जा सकती है उस मदद के लिए हम लोग खुद घूम रहे हैं और मज़ारों पे जा रहे हैं
और उनसे पूछ रहे हैं कि उन्हें क्या सहूलतें चाहिए, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो यहाँ से बोलेंगे वो सहूलतें हम लोग फराहम कराएंगे। और नई दिल्ली से नूरानी खबरों के लिए यामीन खान के साथ आमिर खान की रिपोर्ट। तो ये थी हमारी आज की खास पेशकश, मुझे दीजिए इजाजत ताकि इसी तरीके की बेहतरीन खबरें मैं आपकी खिदमत में पेश करती रहूं। और चलते चलते गुजारिश आपसे ये है कि अभी तक अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ शेयर भी करें। खुदा हाफिज़।